हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में थोड़ा पैनिक का माहौल तो है, और कहां इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो आपको बताएंगे। और XRP के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, और उसने शायद कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है XRP को लेके, उस बारे में सारी बात करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, और पिछले 24 से 48 घंटे में खासकर जो मेन मीडिया है वो उसको लगातार चढ़ा के बता रहा है कि जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस हैं या क्रिप्टोकरेंसी की जो कंपनीज हैं उनके IP एड्रेस जो है हमारी सरकार ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके अंदर क्या कहानी है और हमें समझने वाली बात क्या है, और मेरे आपसे तीन सवाल हैं, और इन तीन सवाल से आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे क्या ऐसा कोई स्टेप हमारी गवर्नमेंट ले सकती है कि नहीं। ये IP एड्रेस क्या होता है, सबको सब कुछ समझाएंगे। आपको याद है ना टिकटॉक, ये सारा कुछ खेल आपको समझाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और कम से कम टाइम के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। हमें यही मोटिवेट करता है, आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज तो आपको वैसे भी शेयर करनी चाहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आज की जो पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है, खासकर हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है क्रिप्टोकरेंसी की, उसके अंदर कि क्या होगा अगर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस जो होंगे दुनिया भर के, अगर वो ब्लॉक कर देगी यानी कि उनकी वेबसाइट बंद कर देगी तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि हमारा जो वहाँ पर पैसा है उसका क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आपके दिमाग में आता है ना, इसी सवाल का जवाब समझने और आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे आपसे भी तीन सवाल हैं, उन तीन सवाल का जवाब आप हमें दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में क्या ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये IP एड्रेस क्या होता है। आप जैसे कि हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल bitcoinexpertindia.com, ये सुनने में आसान लगता है, bi24.com, binance.com, ये सो जो वेबसाइट्स है ना, ये नाम होते हैं, लेकिन एक्चुअल में पीछे का जो अगर बात करते हैं तो सारा कुछ खेल 0101 के अंदर होता है, और हर एक का ना, हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस यानी कि वो उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर आप बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया सर्च मारेंगे .com या वो नंबर होते हैं 0004 टाइप के, फोर पार्ट्स के अंदर होते हैं, पहले चार फिर चार फिर चार फिर चार, तो वो जैसा आपका फ़ोन का भी एक जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, IP एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है। तो अगर वो जो गवर्नमेंट है, कोई भी देश है, वो उस IP एड्रेस को अपनी कंट्री में आने के लिए या ऑपरेट करने के लिए ब्लॉक कर सकता है। आपको याद होगा एक एग्जांपल टिकटॉक, टिकटॉक की कंपनी बंद नहीं हुई, इंडिया के अंदर उसकी जो वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर दिया गया, या जो 52 ऐप्स थे उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि उसका जो IP एड्रेस है वो ब्लॉक कर दिया गया। अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा होगा तो क्या होगा, दुनिया में तो वो चल रहा होगा लेकिन इंडिया के अंदर आप वो जो है उस वेबसाइट पर जाकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके क्या सॉल्यूशन है, देखो मैं उन सब पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी हमारी गवर्नमेंट करेगी वो जो है हम सबके लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, क्या ऐसी जो है ऐसा कुछ कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये कोई टिकटॉक नहीं है, ये कोई PUBG नहीं है, यहाँ पे लोगों का मेहनत का पैसा लगा हुआ है। और यहाँ पर पहला सवाल आप समझिए, यहाँ पर हम जो है लोग वहाँ से कमा के दोबारे अपना घर चला रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि टिकटॉक और PUBG को उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, जो लोग बहुत कह रहे हैं जैसे टिकटॉक को कर दिया, PUBG को कर दिया, इसको भी कर देंगे। यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा समझने की है कि हमारा पैसा उन एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ है, उन एक्सचेंजेस ने हमें कोई पैसा नहीं दे रखा, आप समझिएगा। अगर हमारा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है लाखों करोड़ों रुपए, आज की डेट में कहते हैं 80 लाख से ज़्यादा लोग इंडियन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर या
जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, जो उनका पैसा है लाखों करोड़ों रुपए, वो एक झटके में अगर ऐसा ब्लॉक करेगी हमारी गवर्नमेंट या ऐसा कुछ करने की सोचेगी, तो क्या वो पैसा किसका है? वो पैसा हम सबका है। और वो ब्लॉक कर दिया तो वो किसके पास चला जाएगा? वो इन एक्सचेंजेस के पास चला जाएगा, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के पास, जिनका कोई जो हमारे हमारे इंडिया से लेना देना नहीं है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसी गलती कर सकती है? यहाँ पे पैसा हमारा है और वहाँ से अगर कोई ट्रेड करके कमा के दे रहा है, यहाँ पे अगर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, तो हमारा देश जो है संपन्न हो रहा है, हम दूसरी कंट्री को संपन्न नहीं बना रहे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि उस जो लाखों करोड़ों रुपये हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं एक्सचेंजेस पे इंडियन यूज़र के, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ ब्लॉक करके वो पैसा वहीं पर ब्लॉक रहने देगी? वो पैसा हमारे देश का पैसा है, वो पैसा हमारा पैसा है, वो हमारी खुशहाली में, हमारे देश की खुशहाली में लगने के लिए है। तो पहले आप खुद सवाल कीजिए अपने आप से, क्या ऐसा कुछ करने देगी या ऐसा कुछ होगा? अगर होगा भी तो हमें जो है एक ड्यूरेशन क्या नहीं देगी? तो क्या हमें इस चीज़ के लिए पैनिक करना चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि भैया पहले ही निकाल लो या चीज़ें सारी चीज़ें कर लो? दूसरी बात हमें समझने की यहाँ पर है कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना काफ़ी बोल्ड मैं बोलूँगा कि ये स्टेटमेंट दी थी कि हम एक विंडो खोलेंगे, तो ये गुप्त स्रोतों की बात मानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या हमारा जो फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं उनकी बात पे आप विश्वास करोगे? और जब तक उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती है, तो आप जो है ऐसा कुछ उल्टा सीधा पैनिक क्रिएट करके या खुद पैनिक में आके ऐसा कुछ स्टेप लोगे कि जिससे आपका ये नुकसान हो? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में भी दे सकते हो और अपने आप से भी पूछ सकते हो, आपको सारे के सारी चीज़ें क्लियर खुद हो जाएंगी। और दोस्तों साथ के साथ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है और मनी कंट्रोल ने ये जो है न्यूज़ छापी है कि इंडिया शुड बी अलाउड टू हैव क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास, जो कि कहना है नंदन नीलकानी। और नंदन नीलकानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उन्होंने बहुत डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, UPI पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, GST हो, फास्टैग हो, उसके अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले किया है। अगर कोई वैसा शख्स जो समझता है डिजिटल, खासकर अगर इंडिया के अंदर बात करें सारा कुछ डिजिटलाइजेशन को, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या उसको हमारी गवर्नमेंट इग्नोर कर सकती है? नहीं। और इन्फोसिस के को फाउंडर हैं और आधार आर्किटेक्ट समझ लीजिए, जिन्होंने बैक किया है क्रिप्टो करेंसी को और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत ऐसा कोई तमगा लेना चाहेगा, हमारी सरकार ऐसा कोई तमगा लेना चाहेगी कि वो पहली दुनिया की ऐसी कंट्री बनेगी जिसने संपूर्ण बैन लगाया हो किसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर? क्योंकि अगर मैं चाइना की भी कंपेयर करता हूँ, वहाँ पे माइनिंग आप कर सकते हो, वहाँ पे ट्रेडिंग आपकी अलाव नहीं है, लेकिन वहाँ पे होल्ड करना भी इलीगल नहीं है। क्या हमारा देश ये चीज़ इस टाइम पे ऐसे अफोर्ड कर सकता है कि पहली ऐसी कंट्री बन जाए पूरी दुनिया के अंदर जो कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन कर दे? आप खुद बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारी सरकार ने कोई ऐसा हिंट दिया है? नहीं। जो भी बातें निकल के आती हैं छन छन के गुप्त सूत्रों से, ये सारी बातें जो निकल के आती है ना, आप खुद सोच लो, क्या ये हमार को पैनिक कराने के लिए है? क्या हमारा औने पौने दामों में पैसा लेने के लिए है, या इसके अंदर सच्चाई कितनी है? आप किसकी बात मानोगे, गुप्त सूत्रों की या हमारी सरकार की? तो यहाँ पे जब तक हमारी सरकार हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलती, पैनिक में नहीं आना और फालतू का पैनिक नहीं क्रिएट करना। तो ये तीन सवाल हैं, इनके जवाब मैंने सवालों के अंदर ही दे दिए। आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं और कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना, तो इन पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि पहले एक न्यूज़ आई थी, पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने को आ रहा है, कि इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन बिल पास हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। मतलब आने वाले एक गवर्नमेंट बड़ी हड़बड़ी में लग रही है, जल्दबाजी में लग रही है कि फटाफट इसको बैन कर देगी। क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसी चीज़ें पिछले एक डेढ़ साल से हम सुन रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है पैनिक में आना है कि नहीं आना। कई बार ऐसा लगता है ऐसी न्यूज़ जानबूझ के प्लांट की जाती हैं ताकि
पौने पौने दामों में लोग बेचते हैं और मार्केट में हमें यही पैनिक फिलहाल हो सकता है देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जब भी कुछ ऐसा ऐसी कोई न्यूज़ आती है या बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक का माहौल होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली तो बिटकॉइन यहाँ से क्या लगता है, बिटकॉइन यहाँ पे इसको सपोर्ट है 52,500। आपने पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, लास्ट हमने यही बोला है कि 52,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ तक रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर वहाँ से गिरता है तो हो सकता है आपको $50,000 के आसपास ये देखने को मिले, लेकिन जब तक यहाँ ये सपोर्ट मिल रही है क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो अब जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मिलती है $57,000 के आसपास, $57,000 से $58,000, और मेन जो रेजिस्टेंस है वो है इसको 60,000 और उसके बाद है 62,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन $60,000 पिछले एक हफ्ते से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस निकल के आ रही है और जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये $75,000 पे जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल 6 महीने 8 महीने 1 साल का सोचते हो तो ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है बिटकॉइन के लिए कि 75,000 जाना या 1,00,000 जाना, यहाँ से डबल होना, क्योंकि पीछे का 6 महीने का रिकॉर्ड लूँ तो यहाँ से ये 4-5 गुना भी हुआ है। तो इन सारी बातों को जो है आप झुटला नहीं सकते। लेकिन अगर बात करते हैं XRP की, XRP में हमने बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ में लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, एक इंपॉर्टेंट जो है पैटर्न भी शेयर किया था, एक गोल्डन क्रॉस हो रहा था। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक कैंपेन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है एक होप है कि रिवाइवर हो सकता है और बहुत सारी और चीज़ें निकल के आ रही हैं जो फेवर कर रही हैं XRP को लेके। लेकिन ये जो कैंपेन है रियलिस्ट XRP, आपने क्या SCA के साथ में कोई भी डिस्प्यूट है, लेकिन जो लोग हैं जो यूज़र्स हैं XRP के वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल XRP के अंदर भी बन रहा है। और हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब ये ऑलमोस्ट 40 सेंट्स के आसपास था कि अगर आपकी यहाँ एंट्री बनती है तो इसको एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 70 सेंट्स पे है, यानी कि $0.7 पे है। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो हमें अभी भी $1 लगता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $0.4 है या 40 सेंट्स आप कह सकते हो। तो ये सारी बातें यहां पे दिमाग में रखने की हैं। अगर मैं बात करता हूं इथीरियम की, इथीरियम को लेके बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, लेकिन जब भी बिटकॉइन थोड़ा सा पैनिक में आता है इथीरियम उसको फॉलो करता है। तो ये जब तक टेम्परेरी माहौल बिटकॉइन के अंदर रहेगा तो आपको इथीरियम या और दूसरे कॉइन्स हैं उसमें पैनिक देख सकता है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट कर्व की बात करता हूं इथीरियम की, मेजर सपोर्ट है वो है $1,420 से $1,430, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक उससे ऊपर बना रहता है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट जो इसको रेजिस्टेंस है वो है $2,000, जब तक ये $2,000 को ब्रेक नहीं करता तो ये जो है आपको $2,250 लगते नहीं दिखेगा। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट देखते हैं, इस साल का टारगेट देखते हैं तो हमें ये अभी भी $3,000 दिखता है। लेकिन सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको नज़र बना के रखनी है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो। शॉर्ट टर्म में ये 10-20-25% ऊपर नीचे होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इन लाइंस को बहुत मायने दीजिए, कहाँ इसको सपोर्ट है कहाँ इसको रेजिस्टेंस है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप इसके अंदर अगर आप ट्रेडर हो तो कुछ पैसा कमा सकें। लेकिन अगर मैं लो सटोशी कॉइंस की बात करूँ या जो बिटकॉइन की फॉर्म में लो में थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी बिटकॉइन थोड़ा पैनिक के अंदर है। अगर बिटकॉइन से $52,000 के आसपास ये स्टेबल होता दिखता है तो आने वाले टाइम में फिर दोबारा से ये बाउंस बैक करते दिखेंगे। लेकिन टिप में बाय कीजिए और अपना स्टॉप लॉस लेके करिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और ऐसा ना हो कि फ्री फॉल हो जाएं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी जितने कॉइन्स हैं वो पिछले एक महीने में 2-3x हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि करेक्शन भी 30-40% की अपने टॉप से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आए हो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।